हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 मैथ्स, टुडे वी विल सी द रिकैप वीडियो ऑफ चैप्टर 2 एडिशन। फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, एडिशन विदाउट कैरिंग। यहाँ ऐड करना है 3421 एंड 5263। देखेंगे इसका सॉल्यूशन यूजिंग द प्लेस वैल्यू मेथड। द टू नंबर्स कैन बी एडेड एज अंडर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस है यहाँ पे 3421। थ्री जो है वो थाउजेंड के प्लेस पे है, फोर हंड्रेड प्लेस, टू टेंस वन वंस, फिर फाइव जो है वो थाउजेंड प्लेस पे है, टू हंड्रेड प्लेस पे है, सिक्स टेंस प्लेस पे है, थ्री जो है वो वंस प्लेस पे है। वंस प्लेस से हम लोग ऐड करते हैं तो थ्री प्लस वन फोर, सिक्स प्लस टू एट, फिर हंड्रेड प्लेस को ऐड करेंगे फोर प्लस टू सिक्स एंड थ्री प्लस फाइव एट। तो वंस पहले ऐड करेंगे, देन टेंस प्लेस को, फिर हंड्रेड प्लेस को, फिर थाउजेंड प्लेस को। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ मोर देन टू नंबर्स, दो नंबर से ज़्यादा का जो एडिशन है। यहाँ एग्जांपल्स देखेंगे। फोर स्कूल इन अ सिटी हैव स्टूडेंट्स एज आर शोन इन द टेबल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल द फोर स्कूल पुट टुगेदर। सॉल्यूशन देखेंगे, ऐड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द फोर स्कूल। स्कूल यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी, नंबर ऑफ स्कूल ए 127, बी 349, सी 512 एंड डी 245। फिर यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस ले लेंगे। देखेंगे यहाँ पे वंस टेंस एंड हंड्रेड प्लेस पे है, तो वन जो है वो हंड्रेड प्लेस पे, टेंस जो है टू जो है वो टेंस प्लेस पे, और सेवन जो है वो वंस प्लेस पे है। यहाँ थाउजेंड प्लेस पे नहीं है तो नहीं, वैसे ही हम लोग प्लेस वैल्यू की तरह पुट कर लेंगे सारे डिजिट्स को, जैसे 127, 349, 512 एंड 245। वंस प्लेस से हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ ऐड करेंगे 97, 16, 16, 2, 18, 18, 5, 23, 23 का 3 लिखेंगे, 2 कैरी जाएगा टेंस प्लेस पे, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 1 9, 9 4 13, 13 का 3 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा 100 प्लेस पे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 लिखेंगे और 1 कैरी जाएगा 1000 प्लेस पे। तो द आंसर इज 1233। नेक्स्ट टॉपिक इज चेकिंग एडिशन। हम लोगों ने जो एडिशन बनाया है उसको हम लोग चेक कैसे करते हैं देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू चेक योर आंसर, रेगुलर प्रैक्टिस बिकम अ हैबिट एंड यू वुड रेयरली मेक अ मिस्टेक, लेट्स लर्न अ चेक आंसर विद द हेल्प ऑफ और फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हम लोग चेकिंग एडिशन कैसे करते हैं। There are two ways to check addition. You can check addition by adding up. You can also check addition by subtraction. One of the addends from the sum, you get the remaining addends. यहाँ देखेंगे first, add कर रहा है 543 and 795. तो हम दोनों add करके भी पता कर सकते हैं और subtract करके भी पता कर सकते हैं। देखते हैं पहले add, तो 3 और 5 8। नेक्स्ट टेंस प्लेस देखेंगे 4 एंड 9, 4 और 9 13, 13 का 3 1 कैरी जाएगा, 7 एंड 5 12 एंड 13, आंसर जाएगा 1338। जो हमारा आंसर आया 1338, उसमें से हम लोग कोई भी एक डिजिट को सबट्रैक कर सकते हैं, या तो 543 को सबट्रैक करेंगे तो 795 आंसर आएगा, या 795 को सबट्रैक करेंगे तो 543 आएगा। यहाँ देखेंगे एडिंग अप है कैसे किया है, फिर यहाँ देखेंगे नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट, 1338 में से 795 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 543 है। 1338 में आप 543 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो आंसर आपका 795 आएगा। यहाँ पे क्लास वर्क है, उसमें भी चेकिंग एडिशन है, पहले हम लोग ऐड करेंगे, फिर ऐड अप है, देन इसी तरीके से हम लोग एडिशन अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम यहाँ देखेंगे, फर्स्ट इन अ फुटबॉल मैच द अटेंडेंस ऑन सैटरडे वॉज 4397, ऑन संडे द अटेंडेंस वॉज 3958, इन ऑल हाउ मेनी पीपल वॉच दिस मैच ऑन दीज टू डेज।
एक फुटबॉल मैच है जिसमें सैटरडे को इतने लोगों ने मैच देखा और संडे को इतने लोगों ने मैच देखा, तो कितने लोगों ने दो दिन में मैच देखा। तो हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे एंड संडे दोनों दिन में ऐड कर देंगे 4397 एंड 3958 को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों दिन मिलाकर कितने लोगों ने मैच देखा। नेक्स्ट देखेंगे टू नंबर, 3172 पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन सैटरडे एंड 5981 पीपल विजिटेड इट ऑन संडे। हाउ मेनी पीपल इन ऑल विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन दीज टू डेज। 3107 लोगों जो है एग्जीबिशन सैटरडे को देखने गए और संडे को 5981 लोग एग्जीबिशन देखने गए, तो दोनों दिन मिलाकर कितने सारे लोगों ने एग्जीबिशन देखा, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फर्स्ट, देयर आर थ्री गर्ल्स जंपिंग रोप, देन फोर गर्ल्स ज्वाइन देम। हाउ मेनी गर्ल्स आर जंपिंग रोप इन ऑल। बोला है कि थ्री गर्ल्स जो है वो रोप जंपिंग कर रही है पहले से, फिर उसके बाद चार गर्ल्स उसमें और ज्वाइन हुई, तो कितने, तो 3 + 4 = 7। सेकेंड देखेंगे, इफ फोर गर्ल्स जंपिंग रोप एंड थ्री गर्ल्स ज्वाइन देम, हाउ मेनी गर्ल्स आर जंपिंग रोप इन ऑल। पहले फोर गर्ल्स जो है वो रोप जंपिंग कर रही थी यानी रस्सी कूद रही थी, फिर उसके बाद तीन गर्ल्स जो है उसमें ज्वाइन हो गए, तो हाउ मेनी गर्ल्स, 4 + 3 = 7। यहाँ देखेंगे, यू कैन सी दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंस डज नॉट चेंज द सम, दिस इज नोन एज द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। यहाँ आप देखेंगे कि ऑर्डर तो चेंज हो रहा है बट हमारा सम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 + 4 पहले तीन लड़कियां जंप कर रही थी उसमें चार लड़कियां और ऐड हो गई। नेक्स्ट वाले में बोला है कि फोर गर्ल्स जंप कर रही थी और फिर थ्री गर्ल्स उसमें ऐड हो गई, तो यहाँ देखेंगे ऑर्डर तो हमारा चेंज हो रहा है बट सम हमारा 7 ही है। नेक्स्ट है ज़ीरो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, द सम ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़ द नंबर इट्सेल्फ, दिस इज़ नोन एज द ज़ीरो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फर्स्ट देखेंगे कि थ्री फिश है प्लस ज़ीरो, कोई भी फिश नहीं है, इज इक्वल टू थ्री। थ्री में हम लोग ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा, थ्री ही होगा। इट मीन्स ज़ीरो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, अगर आप किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर इट्सेल्फ होता है, उसको हम लोग ज़ीरो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बोलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।